इसके वोल्टेज को हम टेस्ट आउट करते हैं और आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो जो भी टेस्ट पॉइंट है इसे हम एक तरफ से क्लियर करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बीसीसी सप्लाई को, जो कि ये पैनल की सप्लाई है 11.98, ये हो गया 12 वोल्ट की सप्लाई इसकी। और बीसीसी जो पॉइंट है टेस्ट वाली, यहाँ पे भी 11.9 यानी 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और इसके बाद चलते हैं ये पावर वाले पॉइंट पे, जो कि 3.2 वोल्ट है। इसके जितने भी टेस्ट पॉइंट है यानी पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पे हम सारे वोल्टेज को टेस्ट आउट करके दिखाएंगे। ये BAA इन्हें यानी ये जो 15.6 वोल्ट मिल रहे हैं, ये इसकी ABDD सप्लाई है। और यहाँ पे जो T2 लिखा हुआ है यानी टेस्ट पॉइंट 2, ये जो दूसरा पॉइंट है टेस्ट का, ये है इसकी BGH सप्लाई। और BGH सप्लाई यहाँ पे 30 वोल्ट यानी 30 वोल्ट मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट पे, जो कि है इसकी BGL सप्लाई, बी ऑफ की सप्लाई, ये -8 वोल्ट है। और फिर इसके आगे HBAA यानी HBAA, ये है BCOM की सप्लाई, जो कि ABDD की 1/2 वोल्ट है। अब इसके यहाँ पे देखें जितने भी टेस्ट पॉइंट हैं, एक तरफ से हम इसको दिखा रहे हैं और आप इसके हिसाब से वोल्टेज को टेस्ट आउट कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे देखें ध्यान से इस पॉइंट को देखें, एक बार BGL और फिर से दिखाते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये देखिए इसकी जो LC पॉइंट होती है यानी इवन और ऑड का, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा इवन और ऑड का LC पॉइंट एक ये हो गया, यानी एक बार BGL और एक बार BGH। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तीसरे पे, यहाँ 4.5 वोल्ट। फिर इसके वाले बाद पे चलते हैं 4 वाले पॉइंट पे, यहाँ पे 4.5 वोल्ट। फिर चलते हैं आगे 5 वाले पॉइंट पे, यहाँ पे भी 4.5 वोल्ट। फिर आगे 4.5 वोल्ट, फिर आगे 4.5 वोल्ट, फिर नेक्स्ट 4.5, फिर नेक्स्ट 4.6, फिर नेक्स्ट 4.6, फिर नेक्स्ट BGL, आखिरी में ये हो गया BGL की सप्लाई। तो इतने का जो है क्लियर पॉइंट ये है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चलते हैं इस साइड से गामा, तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग में, ये है 14.6 वोल्ट गामा की सप्लाई, फिर दूसरा है 14, स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए घटते हुए क्रम में, पहले सबसे फर्स्ट गामा की सप्लाई 14.6, उसके बाद 14 वोल्ट यानी 14 वोल्ट, फिर उसके बाद 11.7 यानी 11.7, फिर उसके बाद 10.4, फिर उसके बाद 10.1, फिर उसके बाद 7.8, फिर उसके बाद 7.6, फिर उसके बाद 7 वोल्ट, फिर उसके बाद 6.7, फिर उसके बाद 5.2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2.7, फिर उसके बाद 0.5,
फिर उसके बाद जिसे और कम कर लेते हैं, जो लास्ट में है 0.25 मिली वोल्ट, ये सबसे लास्ट टेस्ट पॉइंट है। फिर इसके ऊपर जो तीन पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ये तीनों पॉइंट पे 3.3 वोल्ट है एक, और दूसरे पे है 3.3 वोल्ट, और तीसरे पे भी 3.3 वोल्ट है। ये इतने टेस्ट पॉइंट जो है इसके मेन वोल्टेज ये हैं, और ये भी मार्केट में न्यू पैनल आया है बहुत जल्द, इसलिए इसके डिटेल आपको दे दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाला सप्लाई, यानी जितने भी वोल्टेज हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये लास्ट में चार पॉइंट बने हैं जो CPV 2.1 वोल्ट, फिर इसके बाद LC पे देखें वोल्टेज 3.3 वोल्ट, सेट स्टैंड बाई में चली गई है, इसे ऑन करते हैं। बिना सिग्नल के चल रहा था। अब यहाँ पे LC वाले पॉइंट पे देखें, थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट, एक बार 0 वोल्ट, एक बार 3.3 वोल्ट, ये इसका LC पॉइंट है। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है TER, इस वाले पॉइंट पे। अब इसे मिली वोल्ट में देखते हैं, मिली वोल्ट पे देखें इसे ध्यान से। ये जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है TER, यहाँ पे मिली वोल्ट में है, जो कि 20.1 वोल्ट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं STB, ये है 24.7। यहाँ पे देखें इसका जो मेन है STB 24.6 मिली वोल्ट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जो इसका दिया हुआ है ये है ग्राउंड, फिर इसका नेक्स्ट जो है ये है SCL यानी सीरियल क्लॉक, फिर उसके बाद चलते हैं SDA यानी सीरियल डाटा। तो ये क्लॉक और डाटा का हुआ है, यानी क्लॉक का जो वोल्टेज है 3.3 और डाटा का वोल्टेज 3.3। फिर इसके बाद WP, ये 3.2 वोल्ट यानी 3.3 ये भी है। ये हो गया इसके क्लियर जो टेस्ट पॉइंट है। अब फिर यहाँ पे आते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो टेस्ट पॉइंट है ये यहाँ पे 1.3 वोल्ट। ऊपर से पहले ऊपर वाली लाइन को टेस्ट आउट करेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद नीचे वाले को करेंगे। तो इस हिसाब से देखें, आपको चेक करने में काफ़ी आसानी होगी, इसलिए इस टाइप से हम यहाँ पे चेक करते हुए वोल्टेज को बताते हुए चलेंगे। देखिए पहला पॉइंट जो है टेस्ट का, ये है 1.3 वोल्ट, दूसरा है 1.3 वोल्ट, तीसरा है 1.3 वोल्ट, चौथा है 1.2 वोल्ट, पांचवा है 1.2 वोल्ट, छठवां है 1.1 वोल्ट, सातवां है 1.3 वोल्ट, आठवां है 1.2 वोल्ट। फिर नीचे से चलते हैं, नीचे वाले लाइन पे, फिर यहाँ 1.4 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। अब ये क्लियर हो गया जितने टेस्ट पॉइंट थे। फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले टेस्ट पॉइंट पे, जो कि LC1 LC2 पे चलते हैं। तो LC1 को देखें, एक बार BGH, एक बार BGL, एक बार BGH, एक बार BGL, फिर दूसरे पे चलते हैं, एक बार BGL, एक बार BGH, यानी LC2 LC1, तो ये हो गया LC2।
अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए 4.5 वोल्ट, जो कि ये CLK1, फिर CLK2 4.5 वोल्ट, फिर CLK3 4.5 वोल्ट, फिर CLK4 4.5 वोल्ट, फिर आगे 4.5 वोल्ट, फिर इसके आगे 4.5 वोल्ट, फिर आगे 4.6 वोल्ट, फिर आगे 4.5 वोल्ट, फिर यहाँ पे लास्ट में BGL की सप्लाई। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट टेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ से मेरे हिसाब से कोई वोल्ट नहीं बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट पे हम आपको दिखा दें जो गेट एरिया को जा रहे हैं, यहाँ पे देखें ये जो है BGL की सप्लाई जा रही है सबसे स्टार्टिंग पे, और दूसरे पे 4.1 वोल्ट, और तीसरे पे 4.1 वोल्ट, फिर उसके बाद 4.1 वोल्ट, फिर उसके बाद 4.1 वोल्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे 4.1 वोल्ट, फिर 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 यहाँ पे BGL और BGH, और फिर यहाँ पे BGL और BGH, यानी LC1 LC2 ये वाला पॉइंट जो अभी आपको चेक कराए हैं, यहाँ यहाँ इस वाले आखिरी में दोनों पॉइंट हैं, और यहाँ पे BGL का पॉइंट है। अब फिर यहाँ पे देखिए TP1, TP1 हमारा क्या बता रहा है, ये 0.37 मिली वोल्ट। फिर नेक्स्ट पोल, पोल हमारा कितना बता रहा है, यहाँ जो वोल्टेज में डिफरेंस हो रहा है यानी अप डाउन हो रहे हैं कम ज़्यादा, ये देखिए इस टाइप से आपका यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा पोल वाला टेस्ट पॉइंट। अब ये हो गए इतने टेस्ट पॉइंट इसके, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोल्टेज हैं, और यहाँ लास्ट में दिखा दें आपको ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ पे 11 वोल्ट। तो ये हुआ इसके सोर्स VCB की सप्लाई। अब यहाँ पे हम जूम करके आपको दिखा दें, जितने भी आप वोल्टेज को टेस्ट आउट किए हैं उसे आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। ये इसलिए दे रहे हैं कि आपको कहीं भी अगर उसमें डाउट या डिफरेंस मालूम हो वोल्टेज को, तो आप इसे टैली करके फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं, और किसी कंपोनेंट को बहुत क्लियर आप स्पष्ट देख सकते हैं इसके वैल्यू को, और इसके कंपोनेंट जो SMD है इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं इस टाइप से। देखें ये नंबर बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं एक एक रेजिस्टेंस के, और ये है इसका पैनल नंबर PT32080-01-XC
डैश वन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।